ओके तो क्या सच में हमारे ट्रैवल चिप रोमन रेंज का टाइटल रेन का एंड होने वाला है, क्योंकि रिसेंट टाइम में बहुत सारे रिपोर्ट इसके बारे में निकल कर सामने आया। साथ ही साथ हमारे ब्रॉक लेसनर ने लास्ट मंडे नेटवर्क पर आखिर क्यों कोडी रोड्स के ऊपर अटैक किया, इसके बारे में प्रोबेबली रीजन निकल कर सामने आया। इसके अलावा और भी बहुत सारे अपडेट है आज की इस वीडियो के अंदर, तो चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन लोगों को पर्सनली चैट में बात करना भाई सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस वीक का स्मैकडाउन का व्यूअरशिप के बारे में, जिसका व्यूअरशिप निकल कर सामने आया 2.291 मिलियन के करीब। वैसे मैं आपको बता दूं ये जो व्यूअरशिप है 2.29 मिलियन, ये पिछले वीक से बहुत ज्यादा एक्चुअली में कम है, क्योंकि इससे पिछले वीक जो रेसलमेनिया का सबसे लास्ट स्मैकडाउन हुआ था उसके अंदर व्यूअरशिप रहा था 2.38 मिलियन के अप्रोक्स, जो कि 100 के ज्यादा है। तो आप लोग मेरे ख्याल से समझ सकते हो कि इस बार का स्मैकडाउन का व्यूअरशिप बहुत ज्यादा कमा है, पर उतना भी नहीं कमा है रॉ के अकॉर्डिंग। वैसे साथ ही साथ एक और मैं आपको अपडेट दे देता हूं जिसके ऊपर आप कितना ट्रस्ट कर सकते हो मुझे नहीं पता, पर हाँ रिपोर्ट निकल कर सामने आया जिसके अकॉर्डिंग इंडिवर वाले 100 यहां पर बिन्स मिकन को चलाने के लिए दी थी, यहां पर 100 जो स्मैकडाउन था वो यहां पर ट्रिपल एच को चलाने के लिए दी थी, और जिससे इंडिवर वाले ये देखना चाहते थे ज्यादा अच्छा सो यहाँ पर बिन्स मिकन चलाते या फिर ज्यादा अच्छा सो यहाँ पर ट्रिपल एच चलाते हैं। पर इसके ऊपर पर्सनली मुझे थोड़ा सा कम ट्रस्ट है, पर हाँ मुझे ये बिलीव है कि यहाँ पर जो एंडेवर वाले हैं वो कभी भी बिन्स मिकन को अपने कंपनी से फायर नहीं करने वाले, क्योंकि भाई इतना ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर बवाल होने के बाद भी जब वो कोई एक्शन नहीं ले तो मे भी आगे भी एक्शन नहीं लेते हुए दिख सकते हो। नेक्स्ट बात लेते हैं एक और एमएमए फाइटर के बारे में जिनका नाम है डेनॉल डेनिस, जो कि बहुत ही जल्द आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनको अभी सिर्फ दो ही फाइट 2023 पूरे साल के अंदर करना, उसके बाद ये फ्री एजेंट एक्चुअली बन जाने वाले। अकॉर्डिंग टू डेम मेजर ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कंपनी को साइन करने के लिए, आपको बहुत ही ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आपको आते हुए दिख सकते हैं। वैसे मैं पर्सनली इनको बहुत ज्यादा नहीं जानता, अगर आपने इनका नाम सुना या फिर आपने इनका फाइट देखा तो सारे लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट लोग बात कर लेते अपने द फिंड ब्रे वाइट के बारे में, जिनका भाई बहुत सारा रूमर आ रहा था कि आपको शायद रेसलमेनिया के अंदर आते हुए दिख सकते। वैसे अगर आपको याद होगा तो मैंने अपने चैनल के ऊपर इनका कोई भी न्यूज वगैरह कवर नहीं किया था, क्योंकि मुझे भरोसा था कि ये नहीं आने वाले रेसलमेनिया के अंदर। भाई अभी भी ये डेम मेजर के अकॉर्डिंग कोई करेंट टाइम में इलनेस से सफर कर रहे, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आपको नहीं देखने को ये मिल रहा है। अब भाई इनका करेंट टाइम में क्या इलनेस है ये बात किसी को नहीं पता चला, पर हाँ आपको आई थिंक कुछ टाइम तक आपको ब्रेवाइट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आपको शायद नहीं देखने को मिलेगा। रैंडी ऑटन के बारे में भी बहुत बड़ा बात यहाँ पर डेम बेल्जर का है, पहले मैंने आपको कल के वीडियो के अंदर बताया था कि आपको शायद 3 से 4 महीने अभी रैंडी ऑटन आपको नहीं रिटर्न करते हुए दिख सकते। अकॉर्डिंग टू डेम बेल्जर ये पूरे साल 2023 पूरे साल आपको रैंडी ऑटन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आपको नहीं रिटर्न करते हुए दिख सकते। भाई मुझे ये लग रहा है कि अगर 2023 के अंदर भी रैंडी ऑटन अगर नहीं अपना रिटर्न करते तो मे बी उनका सारा करियर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से खत्म ही हो जाने वाला है, क्योंकि भाई आप खुद सोचो रैंडी ऑटन करीब 20 साल से रेसलिंग कर रहे हैं, लगातार 2 साल उनका रेसलिंग छूट चुका है, फिर रिटर्न करके डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोई बड़ा तो कुछ उखाड़ने नहीं वाला। वैसे आप लोगों का क्या ख्याल है इसके बारे में सारे लोग कमेंट सेक्शन में इस बात को जरूर से बता सकते। नेक्स्ट लोग बात करते अपने द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में, जिन्होंने क्यों आखिर कोडी रोड्स के ऊपर अटैक किया, इसके पीछे प्रोबेबली रीजन निकल कर सामने आया है। और ब्रॉक लेसनर के अकॉर्डिंग एक्चुअली उनका जो मैच था रेसलमेनिया के अंदर ओमोस के साथ वो एक्चुअली बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग मैच उनके लिए था, इसलिए ब्रॉक लेसनर यहाँ पर अटैक किया कोडी रोड्स। उनके अकॉर्डिंग मतलब ब्रॉक लेसनर जैसे रेसलर वो शो का रेसलमेनिया का किक ऑफ कर रहे हैं, यहाँ पर कोडी रोड्स जैसे रेसलर रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर रहे हैं, इसलिए ब्रॉक लेसनर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे कोडी रोड्स के ऊपर, इसलिए ब्रॉक लेसनर अटैक यहाँ पर कोडी रोड्स के ऊपर मंडे नाइट रॉ के ऊपर। वैसे भाई आप लोग ये वीडियो देखो, ब्रॉक लेसनर जैसे यहाँ पर आते हैं सारा रेफरी रो किस तरह से भागता है, मतलब भाई मैं तो बहुत ज्यादा हंसा था ये वीडियो देखने के बाद। आप समझ सकते हो मतलब ब्रॉक लेसनर का कितना खौफ है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करेंट टाइम में भी। वैसे इसके रिगार्डिंग गुड न्यूज है कि अगले मंडे नाइट रॉ के ऊपर आपको ऑफिशियल एडवर्टाइज हो चुके हैं, आपको कोडी रोड्स अगले मंडे नाइट रॉ के ऊपर आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ अभी करेंट टाइम में ब्रॉक लेसनर एडवर्टाइज तो नहीं, पर हाँ रिसेंट टाइम में बहुत सारे सोर्सेज का ये कहना कि आपको ब्रॉक लेसनर भी देखने को मिल सकते हैं अगले मंडे नाइट रॉ के ऊपर। वैसे देखना ये होगा कि क्या कोडी रोड्स यहाँ पर अपना बदला ले पाते हैं या फिर से यहाँ पर F5 खाएंगे अगले मंडे नाइट रॉ के ऊपर कोडी रोड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज और क्रिश्चियन केज के बारे में, तो रिसेंट टाइम में हुआ का एज इस बात को रिवील करते हैं कि वो अपने रिटायरमेंट से पहले एक बार क्रिश्चियन केज के साथ एज ए टैग टीम डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काम करना चाहते हैं। भाई प्रॉब्लम वाली यहाँ पर बात है कि करेंट टाइम में हमारे एज तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, पर क्रिश्चियन केज करेंट टाइम में AEW कंपनी के अंदर। आपको पता है AEW कंपनी और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के बीच में कितना ज्यादा दुश्मनी होता है, तो मे बी शायद आपको नहीं देखने को मिल सकता ये दोनों साथ में डब्ल्यूडब्ल्यूई के। वैसे अगर आपको याद होगा तो आई थिंक कुछ टाइम पहले शिंसुके नाकामुरा थे वो ग्रेट मुटा को गए थे उनका रिटायरमेंट मैच देने यहाँ पर जापान रेसलिंग के अंदर। पर भाई जापान रेसलिंग और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जो रिलेशन है काफी अच्छा है, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी वाले अलाउ कर दिए उनको उनके कंपनी के अंदर जाने के लिए। पर जहां बात आता है यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी और AEW कंपनी के बारे में, तो भाई ये दोनों करेंट टाइम में रिलेशन दोनों कंपनी का बहुत ज्यादा खराब है। तो करेंट टाइम में मुझे तो ये चांसेस बहुत ही ज्यादा कम लग रहा है कि आपको क्रिश्चियन केज शायद आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आपको आते हुए दिख सकते हैं। वैसे आपका क्या ख्याल है सारे लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप एज ए टैग टीम देखना चाहते हो एज और क्रिश्चियन केज को साथ में, सारे लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे फाइनल न्यूज से पहले मैं आपको रेसलमेनिया का बिहाइंड द सीन वाला कुछ फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप इस फोटो के अंदर देख सकते हैं रोमन रेंज अपना बैक स्टेज गोरिल्ला पोजीशन के ऊपर है। साथ ही साथ कुछ और भी बहुत सारे यहां पर इंटरेस्टिंग फोटो निकल कर सामने है, जैसे आप इस फोटो के अंदर देख सकते हैं बियांका बेलेयर जिस तरह से एंट्रेंस की थी उनके साथ बहुत सारे जो बच्चे लोग थे सारे यहां पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग कुछ और भी फोटो देख सकते हैं, यहां पर द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर जो कि गोरिल्ला पोजीशन के ऊपर है जाने के लिए एंट्रेंस करने के लिए तैयार है। आप नेक्स्ट फोटो के अंदर आप लोग बैकी लिंच को देख सकते हैं जो कि केविन ओवंस के साथ यहां पर इमोशनल बहुत ज्यादा है पीछे सेथ रॉलिंस। और फाइनल एक और फोटो देखने को मिला जिसके अंदर रिया रिप्ले जो कि अपना चैंपियंस बेल्ट आई थिंक जीत कर यहां पर लौट रहे, बहुत सारे लोग यहां पर इनको चीयर कर।
वैसे आप लोग WWE के ऑफिशियल साइट के ऊपर जाकर आई थिंक 120 से ज्यादा यहाँ पर फोटो अपलोड है, आप लोग सारे लोग बिहाइंड द सीन वाला फोटो सारे लोग देख सकते। तो चलिए हम चलते हैं आज के अपने सबसे फाइनल न्यूज की तरफ, जो कि जुड़ा है हमारे ट्रैवल शिप रोमन रेंस रेडर, जिसके ऊपर भाई मुझे खुद भी बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं हो रहा है। रिसेंट टाइम में अपडेट निकल कर सामने है जिसके अकॉर्डिंग एक्चुअली बैकलेश के बाद जो ड्राफ्ट होने वाला उसके अंदर रोमन रेंस के हाथ से एक चैंपियनशिप ऑटोमेटिक मंडे नाइट रॉ के ऊपर जाने वाला है। आप लोगों को अगर याद होगा तो जब स्मैकडाउन के ऊपर जब ट्रिपल एच आए थे तो इस बात को रिवील किया था कि इस बार का जो ड्राफ्ट होने वाला बहुत बड़ा ड्राफ्ट होने वाला है। तब से रूमर निकल कर सामने आया कि रोमन रेंस के हाथ से जो WWE जो चैंपियनशिप बेल्ट ऑटोमेटिक वो मंडे नाइट रॉ के ऊपर शायद जाते हुए आपको दिख सकता है। और इसके पीछे एक और रीजन ये बताया जा रहा है कि करेंट टाइम में सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस के पास भी दो दो चैंपियनशिप बेल्ट है, तो ये दोनों के हाथ से भी एक एक चैंपियनशिप बेल्ट लिया जाएगा। भाई मैं सही बताऊं तो मुझे स्टील अभी नहीं भरोसा आ रहा कि रोमन रेंस ऐसे ही अपने हाथ से एक चैंपियनशिप बेल्ट दे देंगे WWE वालों को कि लो भाई ले जाओ मंडे नाइट रॉ के ऊपर। वैसे इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है सारे लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको लगता है रोमन रेंस अपना एक चैंपियनशिप बेल्ट ऐसे ही दे देने वाले। साथ ही साथ अगर आपको आज का वीडियो पसंद है तो भाई सारे लोग वीडियो को लाइक करके सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन लोगों को मेरे से पर्सनली चैट और बात करना भाई सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम को पर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को बैकलेस का अगर सारे मैचेस का अगर आपको लिस्ट जानना है तो भाई इसके बाद वो वीडियो सारे लोग देख सकते हैं।